Your name? Nathan. Okay, I'm Shreya. मॉर्निंग, क्योंकि कल शाम को मैं आके पहुंची थी और मैं अभी बैठी हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो कल जो रूम दिख रही थी, मैं बोली थी कि ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, तो मैं अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठी हूँ और जो अच्छा वाला ब्रेकफास्ट एरिया है ना, वो फुल हो गया है, इसीलिए मैं यहाँ पे बाहर बैठी हूँ। तो होप कि कल जाके मैं अच्छा वाला एरिया में बैठूँगी, क्योंकि वो बहुत सुंदर है। और पता नहीं ब्रेकफास्ट भी क्या है, जो भी है टिपिकल अरेबियन फूड ही होगा शायद से, बिकॉज यहाँ पे एक फैमिली रन जगह है ये, तो पूरे फैमिली मिलके काम कर रहे हैं। उनकी जो मम्मी है वही खाना वाना बनाती है, तो पूरा होमली खाना आज मिलने वाला है मेरे को। सो देखते हैं। और आज का दिन रहेगा मेरा बहुत बिजी शेड्यूल, क्योंकि मैं ऑलरेडी ज़्यादा दिन अलेक्जेंड्रिया में रह चुकी हूँ, बिकॉज मेरा तबीयत ख़राब था, और इसके वजह से मुझे आगे का जितना भी इजिप्ट का प्रोग्राम है बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा, ताकि मेरा वीज़ा ख़त्म होने से पहले मैं सारा जगह जो भी डिसाइड की हूँ घूम सकूँ, वरना मेरा आधा अधूरा रह जाएगा इजिप्ट का ट्रिप। सो लेट्स होप कि आज जितना मैं शेड्यूल की हूँ कल रात को नोट डाउन करके लिख के रख दी हूँ, होप सो कि आज सारा कुछ हो जाए। मैं भी आज ज़्यादातर कायरो के आसपास ही करूँगी, एंड ये है आज का खाना। ये है यहाँ का फेमस ब्रेड, जो कि ना ऐसे टाइप का होता है अंदर से, तो इसके अंदर सारा स्टफिंग डाल के ऐसे करके खाया जाता है। और उसके साथ है यहाँ पे चीज़, ये है और एक चीज़, और ये है और एक टाइप का चीज़, तो ये तीन टाइप का हो गया टोटल। और ये है सलामी, ये है अंडा, और ये है जैम, और आने वाला है चाय। कायरो होता है फूड हब, मतलब बहुत टेस्टी टेस्टी खाना मिलता है कायरो में, और मैं आज सब लोकल खाना ट्राई करने वाली हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे छोटा सा थोड़ा सा खाने से भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जल्दी से खाना ख़त्म करते हैं, बिकॉज आज का डे होगा बहुत बिजी वाला डे। यहाँ का जो लिफ्ट है ना, मैं अलेक्जेंड्रिया में थी वो भी लिफ्ट ऐसे खतरनाक था, मैं इधर हूँ ये लिफ्ट भी खतरनाक है। मुझे ना वो जो भूतिया मूवीज होता है ना, वैसा वाला जो कोल माइन वगैरह में लेके जाता है, वैसा टाइप का फीलिंग आता है। और ये पूरा खुला है, पता है ये लिफ्ट जो है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है दरवाजे, ये बाहर का दरवाजा है, मतलब आप ऐसे करोगे तो भाई कहाँ से खुलेगा, तू यहाँ से आप निकलोगे, करना लिफ्ट है भाई, यहाँ पे आओ ना, लिफ्ट में जाना आना करना एकदम से नहीं चाहिए, क्योंकि ये पांचवें फ्लोर में था और मैं थी ग्राउंड फ्लोर में, बाउंड होके लिफ्ट लेके गई, लेकिन भाई साहब कभी ना जाऊँ मैं ऐसे लिफ्ट में। खाना पीना ख़त्म हो गया, अभी भैया निकल गई बाहर, और पूरा टिपिकल हम लोगों का जैसे घर के बाहर निकलने से जैसे लगता है ना, पूरा वैसे ही लग रहा है। सब्जी वब्जी का ठेला लगा हुआ है, फ्रूट्स का ठेला लगा हुआ है, और ब्रेड ऑमलेट का ठेला लगा हुआ है, तो ऐसा कुछ, मतलब मैं जहाँ पे हूँ, कल रात को तो निकली थी आपको दिखाई थी, तो मुझे लगता है कि रात को आप ठीक से देख नहीं पाए होंगे, तो ये कुछ ऐसा दिखता है मेरा मतलब लोकेलिटी। अभी यहाँ पे ना एक चीज़ मैं देखती हूँ, बहुत लेट से सब कोई स्टार्ट करते हैं दिन, अभी लगभग बच गया है 10-15, लेकिन दुकान बाज़ार ज़्यादातर बंद है और लोग भी बहुत कम है रास्ते में। तो इजिप्ट में अलेक्जेंड्रिया में भी देख रही थी वही चीज़ कि बहुत लेट स्टार्ट होता है उनका लाइफ, और यहाँ पे भी वही सेम चीज़ दिख रहा है, बहुत लेट स्टार्ट किए हैं, क्योंकि लेट नाइट सोते भी हैं। कल रात को ना क्या हुआ कि मेरा रूम है ग्राउंड फ्लोर
और मेरे जो रूम के जो खिड़की है ना, खिड़की के जस्ट साइड में है एक कैफे। तो भैया रात 2-3 बजे तक सब चिल्लम चिल्ली ही हु, मैं सो ही नहीं पाई। मतलब रात भर मेरे को नींद ही नहीं हुआ है, और क्योंकि नया जगह था और कान के पास ही चिल्ले जैसा लग रहा था, मतलब मैं पागल हो गई। बस सुबह सुबह मेरे को लगभग 4 बजे के करीब नींद आया था, फिर 6 बजे खुल गया नींद। क्योंकि ना क्या हो रहा है कि यहाँ पे टाइम का भी प्रॉब्लम हो रहा है। टाइम में क्या है कि ये 3.5 घंटा पीछे चलता है इंडियन टाइम के हिसाब से। तो वहाँ पे जब सुबह उठने का मेरे जितने बजे का आदत था ना, तो यहाँ पे लगभग उस टाइम 3:30 बजता है। तो मेरा, मैं देख रही हूँ जब से मैं इजिप्ट आई हूँ ना, 3:30 बजे रात को 3:30-4 बजे ना मेरा नींद टूट जाता है, और मैं तब से जगी रहती हूँ ऐसे ही उल्लू की तरह। तो ऐसे ही ये प्रॉब्लम है। मैं जहाँ पे रह रही हूँ ना, तो वहाँ पे एक ही जगह पे 3-4 हॉस्टल भी है, तो बहुत बाहर के लोग आके रुके हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। और मेरे को ऐसे मिले तो मुझे पूछ रहे कि और मैं आऊँ आपके वीडियो में, आऊँ मैं बोली हाँ भाई आ जाओ। फिर उसका नाम था नेथन, वो मेरे को उधर सुबह खाने के टाइम में भी मिला था, और क्यूट सा बंदा है। और ये पीछे कुछ ऐसे दिख रहा है, यहाँ पे जो मस्जिद होता है ना, हमारे वहाँ के मस्जिद से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन बहुत सुंदर सुंदर मस्जिद है यहाँ पे। तो ऐसा कुछ ये मस्जिद दिख रहा है, और अभी मैं चल के जा रही हूँ जहाँ पे, वो भी बहुत फेमस जगह है। तो आई थिंक कि मैं इतना दूर चल नहीं पाऊँगी, अभी मैं नेट में सर्च कर रही थी, वो 2.4 किलोमीटर दिखा रहा है। मुझे यहाँ से अभी मेट्रो स्टेशन भी जाना पड़ेगा, और हाँ यहाँ पे पता है मेट्रो भी चलता है, तो मुझे ये चीज़ पता नहीं था। कल मैं सारा डिस्टेंस चेक कर रही थी ना, तभी मुझे पता चला कि मेट्रो भी चलता है भाई यहाँ पे। तो देखते हो, अभी थोड़ा रुको, मैं गूगल में सर्च करके आपको बताती हूँ, चल के बात करूँगी फिर। यहाँ का जो बिल्डिंग्स वगैरह है ना, वो थोड़ा सा इटालियन टाइप का है, मतलब इटालियन स्टाइल में बना हुआ है। और यहाँ का खान पान भी ना, आज सुबह जैसे मैं खाना खाई, तो यहाँ का जो कल्चर मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा यूरोपियन टच है इस कल्चर में। अलेक्जेंड्रिया में पूरा पुराना सब कुछ लगता था, लेकिन ये थोड़ा सा यूरोपियन टच वाला है, और लोग जो हैं अलेक्जेंड्रिया से थोड़ा ज़्यादा स्टाइलिश हैं यहाँ के, बहुत स्टाइलिश अटायर पहने हुए हैं, और काफ़ी स्टाइलिश दिख रहे हैं यहाँ के लोग, क्योंकि होगा भी, क्योंकि ये इजिप्ट का मेन सिटी है, तो थोड़ा तो होगा। जैसे हमारे वहाँ पे दिल्ली मुंबई में एक टाइप का होता है, यूपी बिहार में और एक टाइप का होता है, तो यहाँ पे भी वही है। हाँ, अभी तो ज़्यादा गाड़ी नहीं है, इसीलिए मैं इजीली रोड क्रॉस कर रही हूँ, वरना भैया यहाँ पे रोड क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, पीठ बांट देगा कभी किस दिन। यहाँ पे ना हर 500 मीटर में आपको एक मस्जिद दिखेगा, और सुबह होते ही ना दिन भर ज़्यादातर वो जो उनका जो एक प्रेयर वाला सॉन्ग होता है वो चलता रहता है। और आपसे बात करते करते मैं पहुँच गई हूँ मेट्रो स्टेशन तक, और अभी मैं नीचे जा रही हूँ एक्चुअली, और मुझे नहीं पता था यहाँ पे मेट्रो है, और मेट्रो रहने से ना एक्चुअली जर्नी बहुत ईजी हो जाता है। एंड मेरे को और एक बार ये मेट्रो स्टॉपेज करना वो देखना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसको, नाम देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसका नाम पता नहीं है, और सब जगह पे अरबिक में लिखा हुआ है, मुझे वो बात समझ में भी नहीं आ रहा है। तो मुझे जाना है ओपेरा स्टेशन, और मैं यहाँ से जो जा रही हूँ ये एल मुनीब की तरह जा रहा है, तरफ जाएगा,
और ये जो है ये है 5 pound का टिकट वन वे, तो 5 pound मतलब ये समझ लो आप 22-23 रुपया हो रहा होगा। हाँ 22-23 रुपया हो रहा है, तो ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली चीज़ें काफ़ी रिजनेबल है, और मैं सोची थी कि बहन थोड़ा चुप हो जा, मैं सोची थी कि यहाँ पे शायद से चीज़ें कॉस्टली होगा नहीं होगा, लेकिन भाई इंडिया घूमने जैसा ही पैसा खर्च हो रहा है। तो आप लोग उस तरफ अगर सोच रहे हो कि इजिप्ट आना मुश्किल है, तो मैं बता दूँ इजिप्ट आना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और ये सीरीज़ के बाद जैसे ये सीरीज़ ख़त्म होगा, मैं मेरा खर्च, वीज़ा प्रोसेस और सब कुछ डिटेल में एक वीडियो मतलब डेडिकेटेडली उसी के लिए बनाऊंगी। मेरा सारा इटिनरी भी बता दूंगी और आप कैसे वीज़ा वगैरह अप्लाई करके आ सकते हो वो भी बता दूंगी। तो उसके लिए मेरा पूरा सीरीज़ आपको देखना पड़ेगा, और अपडेटेड रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो करना पड़ेगा। तो आपने अगर नहीं किया है तो नीचे मेरा नाम आ रहा होगा, प्लस लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके उसमें फॉलो कर सकते हो। और भैया मैं जा रही हूँ साइड से, लोग जा रहे हैं तो सब मुझे देख देख के जा रहे हैं, क्योंकि मैं पागल की तरह हाँ वो कैमरा में हंस हंस के बात कर रही हूँ। तो इट्स क्वाइट फनी एक्चुअली, आपको थोड़ा बहुत फनी फीलिंग आता है जब ऐसे होता है, और लोग आ भी जाते हैं, हाय हेलो भी बोल देते हैं।